आज हम लोग बनाने वाले हैं पालक का निमोना। उसके लिए हम पालक को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद उसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा लहसुन और मिर्च और धनिया की पत्ती डाल के ग्राइंड करेंगे। अब हम लोग बरी को फ्राई कर लेंगे। बरी को फ्राई करने के बाद जीरा का तड़का देंगे। जीरा का तड़का देने के बाद हम इसमें पहले आलू को फ्राई करेंगे। आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे। आलू ये हमारी ज़्यादा हो गई थी, हमने इसमें थोड़ी आलू बाद में निकाल ली। आलू को फ्राई करते हुए उसमें हल्दी और थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। मसाला डाल के उसे थोड़ी देर अच्छे से, इसके बाद अब हम लोग जो पालक को ग्राइंड करके रखे हैं उसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक धीमी आंच पे भूनेंगे। ये हमारा इसमें था थोड़ा सा पानी जो कि पालक को पीसते टाइम हमने उसमें डाल दिया था। और पालक का जो निमोना होता है वो क्या बोलते हैं, उसमें उसे हम लोग जो है गरम खड़े मसाले से भी तड़का लगा के बना सकते हैं। और यही सेम रेसिपी, बस थोड़े से चेंजेस, आलू की जगह हम लोग इसमें पनीर अगर डाल देते हैं तो ये पालक पनीर बन जाती है। पर पालक पनीर में ये है कि हम लोग मटर और ये बरी ऐड नहीं करते। इसमें हम लोग ये भुनी बरी डाल देंगे और बरी के बाद हम लोग ये मटर डाल देंगे। मटर ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, पर अच्छा लगता है। उसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह हमारा पालक का निमोना तैयार है खाने के लिए, एकदम टेस्टी टेस्टी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।